अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको इस मोबाइल के बारे में बताऊंगा, एप्स के बारे में बताऊंगा कि आप एप्स के डेटा किस तरह क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्त हैं जो एप्स के डेटा क्लियर करने के लिए मोबाइल सेटिंग में चले जाते हैं और उधर जाके, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, सेटिंग में जाके वो किसी भी ऐप का वो डेटा क्लियर कर सकते हैं। डेटा क्लियर करने का मकसद ये है कि अगर कोई फेसबुक आईडी के ब्राउज़र में आपने बहुत सारे आईडी खोले हुए हैं फेसबुक में, तो आपके बहुत सारे आईडी खोलने की वजह से अगर एक भी आईडी मसले में चली जाती है तो फिर आपका पूरा ब्राउज़र बिल्कुल ओपन नहीं होता। तो आप उसका डेटा क्लियर करके फिर जैसे सारे आईडीज ओपन करोगे तो आपके सारे आईडीज ओपन होते जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि मेरे किस आईडी में मिस्टेक है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप सेटिंग में नहीं जाएं, सेटिंग से बाहर भी आप कर सकते हैं, मगर मैं आपको बताऊंगा अगर आपको सेटिंग में भी करना नहीं आता तो मैं इस वीडियो में आपको सेटिंग में भी करके दिखाऊंगा और बाहर ऐप के ऊपर भी डेटा क्लियर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अभी आप चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों, काफ़ी लोग इस तरह सेटिंग में जाते हैं, तो सेटिंग में जाने के बाद अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं आता तो ये आप देख सकते हैं ऐप मैनेजमेंट लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह सारे ऐप्स आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐप का डेटा क्लियर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, अभी मैं आपको इस वीडियो में मैसेंजर का डेटा क्लियर करके दिखाऊंगा। मैंने मैसेंजर के ऊपर क्लिक कर दिया, तो दोस्तों अभी आपके सामने इस तरह आ जाएगा, स्टोरेज असेज लिखा हुआ है, तो आपने इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इस तरह क्लिक करेंगे, ये अभी आप देख सकते हैं कि क्लियर डेटा लिखा हुआ है सब्ज अल्फाजों में, तो आपने इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है तो आपका मैसेंजर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, एक तरीका ये हो गया, लोग ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो मैं आज आपको वीडियो में इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपने जो है ना इतने लंबाई में नहीं जाना है। तो आपने क्या करना है, अभी मैं आपको वही मैसेंजर करके दिखाऊंगा कि आप मैसेंजर के ऊपर भी किस तरह कर सकते हैं। आपने क्या करना है, मैसेंजर के ऊपर आपने क्लिक करना है एक बार, मतलब थोड़ा सा दबा के रखना है। तो अभी आप देख सकते हैं ऐप इन्फो लिखा हुआ है, उधर भी ऐप इन्फो लिखा हुआ था, उस पर हम गए थे, और इधर भी ऐप इन्फो लिखा हुआ है, तो इसमें हम जाएंगे। इसके ऊपर हमने एक बार क्लिक किया ऐप इनको इन्फो के ऊपर। अभी आप दोस्तों देख सकते हो स्टोरेज असेज उधर भी लिखा हुआ था और इधर भी लिखा हुआ है, तो आपने एक बार इस स्टोर असेज में जाना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं क्लियर डेटा आपके सामने आ गया है। आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो आपका डेटा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ मैसेंजर के लिए नहीं है, आप किसी भी ऐप को इस तरह क्लियर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये देखे, आप देख सकते हैं ये प्ले स्टोर है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा दबाया तो इसके भी उसके दूसरे ऐप्स के ऊपर आता है और इसके नीचे, मतलब ये आता है ऐप इन्फो का सिस्टम, ऐप इन्फो का इसका नीचे लिखा आता है और दूसरों का ऊपर आता है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं स्टोरेज असेज लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम जाएंगे, क्लियर डेटा आ गया। बस इस तरह हम इसको क्लियर करेंगे, बहुत सारे लंबाई में नहीं जाएंगे क्योंकि लंबाई में जाने से बंदा भूल भी जाता है। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो और मेरा ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप चाहते हैं आपको मज़ीद ऐसे वीडियोस और ट्रिक्स मिलते रहें तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।